अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट दोस्तों, बेटा मैं यहाँ सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ वर्क पावर एंड एनर्जी का। ओके वेरी नाइस। तो बेटा आज का लेक्चर होगा, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस शेयर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। तो बेटा इसके बाद करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ स्टार्ट करेंगे किसे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ज्यादातर डिस्कशन होगी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ओके वेरी नाइस। बिकॉज बेटा कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, फोर्सेस। बेटा मैंने क्या लिखा यहाँ, तो आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से, ठीक है ना बेटा। लेकिन ज्यादा यहाँ डिस्कशन होगी कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहले ये पढ़ेंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो बेटा देखो स्टार्ट करेंगे यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस से, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स से। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, देखो बेटा क्या है। इफ वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय अ फोर्स, इफ वर्क डन आर work done by a force or against a force, if work done by a force or against a force is independent of the path but depends only upon the initial and final positions of the body, then the work done by that force at that time, then the work done by that force at that time is said to be as, the force is said to be as conservative force at that time. Okay beta dikhaunga, dekho beta kya hai, suppose maine yahan ek point a le liya aur beta maine ek dusra point b le liya, theek hai na। सपोज बेटा मैंने यहाँ एक मैस रखा यहाँ, अगर मैंने बेटा इसको यहाँ ले लिया ऐसे वर्क डन की, किस पाथ, अलोंग L1 पाथ, ठीक है ना। तो किसी तो वर्क डन करेंगे, इसको लेना है A to B, लेकिन अलोंग दिस पाथ, लेकिन इसके लिए फोर्स अप्लाई करता है, वर्क डन आ जाएगी जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। सपोज बेटा मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो अलोंग दिस डायरेक्शन ये मैंने बेटा वर्क डन की अलोंग L1 फ्रॉम A to B, ठीक है ना। सपोज ये वर्क डन है बेटा, मान लीजिए कि वर्क डन यहाँ फ्रॉम A to B, लेकिन along L1 is मान लीजिए 5 joules है, कितने joules है 5 joules। अब मैंने बेटा यहाँ ऐसे ले ली और ऐसे डन की वर्क ऐसे इस रास्ते से ले ली, ये L2 है, तो मैंने यहाँ भी बेटा फोर्स तो करना है ना अप्लाई, फोर्स से ही वर्क डन हो जाएगी। तो वर्क अगर यहाँ along किस पाथ, वर्क डन फ्रॉम A टू बी लेकिन along किस पाथ, along L2 पाथ, अगर बेटा अगेन आ गई बेटा कितने जूल्स, 5 joules, ठीक है ना, कितने जूल्स, 5 joules, अगर ये भी 5 joule आ गया तो बेटा इस वक्त जिस जो वर्क डन हुई इस पर, जिस फोर्स से वर्क डन हुई, तो इस फोर्स का नाम पड़ता है कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये सेम है अलॉन्ग दिस वर्क डन इज सेम फॉर दिस पाथ दैट इज 5 joules एंड वर्क डन इज आल्सो सेम फॉर अलॉन्ग L2 पाथ दैट इज इट इज अगेन 5 joules। तो बेटा जब वर्क सेम हो अलॉन्ग बोथ द पाथस एंड देन वर्क डन बाय सच अ फोर्स इज नोन एज द फोर्स एट दैट टाइम इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, या अगेनस्ट दिस फोर्स अगर वर्क डन करेंगे तब भी अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ आ गई वर्क डन आ गई सेम फॉर ऑल द पाथ, सेम फॉर ऑल द पाथ बट ऑनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। लेकिन अगर सभी पाथों के लिए वर्क डन सेम आई तो इस वक्त जिस फोर्स से वर्क डन हो जाएगी इस फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो बेटा लिखो अगर यहाँ लेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ लेंगे इस तीसरे रास्ते से, तीसरा L3 है, अगर वर्क डन अगेन आ गई फ्रॉम A to B बेटा कितने जोर्स आ गई 5 joules, तो जिस फोर्स से या अगेनस्ट जिस फोर्स से ये वर्क डन हो रही है फ्रॉम A to B अलॉन्ग डिफरेंट पाथस, जब ये सेम आ गई वर्क डन, तो इस वक्त जो फोर्स जिस फोर्स से ये वर्क डन हुई इस फोर्स का नाम पड़ता है कंजर्वेटिव फोर्स। ओके देखो बेटा ए फोर्स इज सेड टू बी एज कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज सेड टू बी एज कंजर्वेटिव, इफ वर्क डन बाय इट आर अगेनेस्ट, इफ वर्क डन बाय इट आर अगेनेस्ट इट इज अगेनेस्ट है इसके खिलाफ बेटा, इसके अगेनेस्ट अगर वर्क करेंगे तो तब भी अगर सेम आ गई डिफरेंट पाथ्स के लिए, तो वो फोर्स जो जिस फोर्स से वर्क डन हो रहे वो है कंजर्वेटिव फोर्स। A force is said to be as conservative if work done by it or against it is independent of path. बेटा इन विच सारे पाथों के लिए सेम हो, दैट इज जिस पाथ से लेंगे इस पाथ से तो वर्क डन सेम आएगी, तो इस वक्त इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है जिस रास्ते से लेंगे, इस रास्ते से लंबे रास्ते से लेंगे छोटे रास्ते से लेंगे तो वर्क डन सेम आएगी। If work done by it or against it is same along all paths,
and is independent of the power and is thus independent of the power. And is thus independent of the path, but depends upon only initial and final positions. But depends upon only initial and final positions. Initial and final positions. Then such a force is known as conservative force. Okay, beta, ye likh lo, utar lo, beta, jaldi utar lo, tum utar lo, beta. Easy hai na? Easy, haan. तो बेटा आप एग्जाम्पल क्या है कंजर्वेटिव फोर्स. देर आर डिफरेंट कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और सुप्रीम फोर्स भी कंजर्वेटिव है. लेकिन बेटा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ बेटा डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और सुप्रीम फोर्स. ठीक है ना? ओके बेटा, क्योंकि यहाँ बेटा एक्सप्लेन करना भी है कि हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. वो तो ये तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में. तो देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा फोर्स, फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल बेटा कंजर्वेटिव है, पहले लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या बेटा लिखा मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन बाई इट आर अगेंस्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड्स अपॉन ऑनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दूसरा है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डिस्कस करना है यहाँ. ओके वेरी नाइस. लेकिन ये ट्वेल्थ में करेंगे, ये ट्वेल्थ में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं. यहाँ ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, यहाँ ये करना है डिस्कस ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके वेरी नाइस, ग्रेविटेशनल फोर्स. और तीसरा जो यहाँ है दैट इज सुप्रीम फोर्स. And these are the examples of conservative forces. Okay, very nice. तो बेटा यहाँ आप discuss करेंगे how gravitational force is conservative in nature. ठीक है ना? Okay, very nice. तो discuss करेंगे how gravitational force is a conservative force. Discuss करेंगे. Okay, उतार लिया. Okay, बेटा उतार लो. Okay, very nice. Now question here is बेटा question क्या है? आप question ये है कि ये देखा examples. क्या है? एक एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरी है सुप्रीम फोर्स. नाउ अब क्या है क्वेश्चन? अब ये कैसे है? ये नहीं डिस्कस, ये भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस हो जाएगा यहाँ. लेकिन ये डिस्कस नहीं हो जाएगा, ट्वेल्थ में डिस्कस हो जाएगा. ओके बेटा देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे है बेटा, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. शो दैट बेटा, शो करना है, क्या दिखा रहा है यहाँ? शो दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. इज कंजर्वेटिव इन नेचर क्या लिखना है बेटा? शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. देखो बेटा इसका सोल्यूशन क्या आएगा. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है सीडीएर, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. देखो बेटा क्या है, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर अगेंस्ट इट आ गई सेम अलॉन्ग ऑल द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ये दिखाएंगे, प्रूव करेंगे. देखो बेटा यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे. देखो बेटा सपोज यहाँ लेंगे तो बेटा देखो क्या है, मैं यहाँ ये मान लीजिए कि अर्थ है, तो मान लीजिए अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ऑन द सर्फेस जीरो है. जीरो नहीं है लेकिन रेफरेंस लेवल लेता हूँ, रेफरेंस लेवल यहाँ रेफरेंस लेंगे और डिस्कशन होगी ज्यादा ग्रेविटेशन में. लेकिन यहाँ रेफरेंस लेवल लेंगे तो रेफरेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ जीरो है, अदरवाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, वो माइनस जीएमएम बाय आर है. लेकिन छोड़ दो यहाँ, मान लीजिए क्या यहाँ इस पर इस ग्राउंड पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो. मैंने इसको बेटा मान लिया है रेफरेंस लेवल. क्या मान लिया है? रेफरेंस लेवल. फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली यहाँ इसके सर्फेस पर जीरो. तो मान लीजिए कि मैंने एक बॉडी ले ली यहाँ, बॉडी मेरा मैंने ये बॉडी ले ली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेना है थ्रू ए डिस्टेंस h. कितना बेटा है h? तो ये बेटा है इनिशियल पॉइंट, मान लीजिए कि ये a पॉइंट है यहाँ. ओके वेरी नाइस, दिस इज a पॉइंट एंड हियर इट इज b पॉइंट. ओके ये एक पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ है. ओके एंड वर्क डन मैं करूंगा अगेंस्ट, यहाँ मैंने कहा ना कि बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स करो यहाँ अगेंस्ट इट. अगर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ नीचे होगा लेकिन अगेंस्ट इट ये ऊपर हो जाएगी, ऊपर अपवर्ड्स होगी, होगी ना बेटा अपवर्ड्स वर्क डन. अगर हम अगेंस्ट करेंगे तो ऐसे लेंगे एंड दैट इज अगेंस्ट दिस फोर्स, इज दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मुझे यहाँ कोई फोर्स लगाना है बट दैट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी से वर्क डन करनी है. अगर इसे वर्क डन आ गई सेम अलॉन्ग डिफरेंट पाथ तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव नेचर. ओके देखो बेटा क्या, नाउ सी हियर, नाउ देखो बेटा क्या, नाउ वर्क डन. पहला केस, ये केस फर्स्ट है बेटा, ये केस फर्स्ट है. लेटेस्ट एक
a body of mass m from कहां से कहां तक, from a to b, from a to b in a straight line, from a to b upwards in a straight line against the gravitational force. बिल्कुल अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो मुझे यहां क्या करना है, मुझे बेटा यहां क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आएगी ना, नीचे बराबर आएगी, तो ये ऊपर जाएगी बट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा इतना ही फोर्स जितना ग्रेविटेशन आएगी ऊपर जाएगी, लेकिन जाएगी विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो. वही तो बात है. ओके, ये जाएगी ऊपर जाएगी, क्यों नहीं. अगर अप्लाइड किसके बराबर होना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, बट अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है कि अगेंस्ट इट, वहां ये अप्लाई कर रहे हैं, बट इक्वल टू दिस. अगर इक्वल टू दिस करेंगे तो ये जाएगी विद वी, क्या होगी, विद कॉन्स्टेंट, और एक्सेलरेशन होगी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो के साथ ये ऊपर जाएगी तो वर्क डन हो जाएगी. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, सी डियर, देखो बेटा क्या, देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम वर्क डन By F external, which is equal to F external, लिखो यहां, या F applied लिखो, which is equal and against, against का मतलब है opposite, against का मतलब बेटे क्या है, opposite to gravitational force, ठीक है ना, पता है वर्क किसके बराबर आएगी. तो बेटा ये आएगी वर्क, ऐसे वर्क आएगी, और बेटा ये भी जी यहाँ कॉन्स्टेंट रहना है, जी चेंज नहीं होना चाहिए, हम ज्यादा हाइट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाइट अगर ज्यादा होगी तो जी कॉन्स्टेंट, जी चेंज हो जाएगा, जी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, जी क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट, वरना यहाँ बेटा वेरिएबल फोर्स से वर्क करना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वर्क बेटा क्या है, वर्क यहाँ आएगी, सीधे लिखेंगे फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए F डॉट H लिखेंगे. बेटा क्या लिखा मैंने, F डॉट H, ठीक है ना, और यहां ऊपर जब एक्सटर्नल से है तो बेटा इनके दरमियान क्या आएगी, FH cos थीटा, और थीटा यहां जीरो होगा क्योंकि मैंने किसी एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन की. बेटा क्या मैंने अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता हूं, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेटा ये F एक्सटर्नल है, तो बताए दोनों के दरमियान थीटा क्या होगा, जीरो, क्योंकि F एक्सटर्नल भी वही और H भी बेटा वही, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फ्रॉम A टू B, ठीक है ना. तो F एक्सटर्नल डॉट H, F H इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा जीरो है, तो बताइए बेटा वर्क किसके बारे में, तो F किसके बारे में, mg, क्योंकि F यहां जो F एक्सटर्नल है ना, F एक्सटर्नल बेटा है ग्रेविटेशन के बराबर, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन, F ग्रेविटेशन, लेकिन ये किसके बारे में, mg के बराबर. तो यहाँ mg के लिए बराबर है बेटा, और h क्या है, h तो ऐसे ही लिखो, और cos क्या लिखो बेटा, यहाँ cos जीरो, लेकिन cos जीरो बेटे किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो w किसके बराबर आएगी, mgh, एंड दैट इज वर्क डन फ्रॉम कहाँ, a टू b इन ए स्ट्रेट लाइन. तो फर्स्ट केस है, वर्क डन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वर्क डन फ्रॉम बेटा a टू b थ्रू h. ओके, वेरी नाइस, इन स्ट्रेट लाइन केस फर्स्ट है, ये पहला केस फर्स्ट था. अब केस सेकंड लेंगे, देखो बेटा केस सेकंड क्या लेंगे, आप अगर ऐसे जाएंगे, ऐसा रास्ता लेंगे, देखो बेटा क्या, अगर मैं बेटा यही डिस्टेंस ऐसे जाऊंगा, यही ग्राउंड पर ऐसे जाऊंगा बेटा, यहाँ ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है ना, फिर ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गया, ये ए पॉइंट है, मान लीजिए ये कौन सा पॉइंट है बेटा, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, ये B पॉइंट है, ठीक है ना. तो मान लीजिए कि ये H1 है बेटा, ये H2 है बेटा, ये H3 है यहां से यहां तक, और बेटा यहां से यहां तक H4 है. ओके, वेरी नाइस. अब के सेकंड में क्या करना है, ये तो यहां याद रखिए कि MGH के वर्क डन किसके बराबर है, फ्रॉम A टू B अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ गई बेटा MGH के बराबर, देखो बेटा. ओके, वेरी नाइस. अब दूसरे रास्ते से चलेंगे, दूसरा पाथ इख्तियार करेंगे, ये पाथ यहां से ले जाएंगे इसको, ऐसे ले जाएंगे, ठीक है ना. देखो बेटा आप क्या है, याद रखा ये, अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में लेट्स टेक द बॉडी जिसका मास m हो, ठीक है ना, यहां से यहां तक मैंने ले लिया था पहले केस में, अब भी मास कहां लेंगे, यहां मास लेंगे, यहां 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 और यहां यहां तक, ठीक है ना. ओके, वेरी नाइस. लेट्स टेक द बॉडी एफ मास m, कहां लेंगे आप,
फ्रॉम यहाँ देखेंगे बेटा फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी डी यहाँ बेटा लिखेंगे ई यहाँ एफ बेटा यहाँ जी और फिर फाइनली बी लिखा मैंने. लेट अस टेक द बॉडी ऑफ मास एम अलोंग पाथ. बेटा कौन सा रास्ता है ए बी टू सी देन डी ई बेटा एफ और जी और फाइनली बी तक. A to B, then B to C, C to beta A D है, D to E, then E to beta F, और F to beta G, और G to, यहाँ कुछ लिखो, G to H, और H to B, G to H लिखेंगे यहाँ beta, G to H, and H to beta B, ठीक है ना, ये दूसरा रास्ता है. अगर यहाँ भी work done against the gravitational force same आ गई, MGH आ गई, तो beta, gravitational force is a conservative force, ठीक है ना, तो देखेंगे beta, देखो क्या है. Okay, very nice, देखो beta क्या है. अगर यहाँ भी work done क्या आ गई, from point A to B, क्या आ गई, MGH. तो बेटा ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है. तो इस वक्त फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा कंजर्वेटिव. देखो बेटा आप देखो क्या आप वर्क करेंगे डन बेटा ए टू बी क्या है डन फ्रॉम ए टू बी. यहाँ लिखेंगे वर्क फ्रॉम बेटा पहले लिखेंगे फ्रॉम ए टू बी नहीं है ए टू यहाँ क्या लिखना था हाँ ओके ये बी नहीं है यहाँ लिखना है बेटा. देखो क्या है यहाँ कुछ और लिखेंगे कुछ और लिखेंगे पी लेट अस से इट इज पी पी लिखो यहाँ क्योंकि बी तो यहाँ है ना यहाँ भी A P C D E F G H B P लिखा मैंने यहाँ क्योंकि यहाँ बी था ना पी यहाँ मैंने P लिखा P है यहाँ. तो देखो पहले वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम बेटा कहां से कहां तक फ्रॉम A टू B कितनी होगी. देखो बेटा वर्क डन क्या होगी फ्रॉम ए टू बी. देखो बेटा ये क्या होगी ये होगी वर्क डन फ्रॉम ये वर्क होगी क्या है ये वर्क डन फ्रॉम ए टू पी फिर वर्क डन फ्रॉम पी टू सी फिर वर्क डन फ्रॉम सी टू डी फिर वर्क डन फ्रॉम डी टू ई फिर वर्क डन फ्रॉम बेटा कहां से कहां था ई टू एफ बेटा फिर वर्क डन फ्रॉम ई टू जी बेटा फिर वर्क डन फ्रॉम जी टू एच फिर वर्क डन फ्रॉम बेटा कहां से कहां तक वर्क डन फ्रॉम एच टू बी ठीक है ना डिफरेंट ये डिफरेंट पाथ मैंने इसको ब्रेक किया. तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी देन फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम बी टू सी देन वर्क डन फ्रॉम सी टू डी देन वर्क फ्रॉम डी टू ई देन वर्क डन फ्रॉम ई टू एफ देन वर्क डन फ्रॉम ई टू जी देन डी टू एच एंड देन एच टू बी. ओके देखो बेटा क्या आप ये अगर ये वर्क डन भी आ गई किसके बराबर एमजीएच के बराबर टोटल वर्क तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव क्योंकि अगेंस्ट वर्क डन कहते हैं दैट इज इक्वल टू. अगर सेम आ गई दोनों पाथों के लिए तो बेटा ये कौन सा फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स. देखो बेटा क्लियर ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या उतार लो पहले उतार लो लिख लो. देखो बेटा क्या क्लियर अब यहां लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. देखो बेटा कैसे आएगा देखो यहां से यहां तक कितनी वर्क आएगी एम जी एच क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ना सीधे ये वर्क क्या आएगी एम जी एच वन यहां से यहां तक एम जी एच वन यहां से यहां. लेकिन यहाँ आएगी बेटा जीरो क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ अप्लाइड यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ है तो थीटा कितना बनता है 90. तो वर्क डन क्या आएगी 90 क्योंकि बेटा एम जी एच कॉस 90 जीरो क्योंकि यहाँ फोर्स नीचे और वर्क डन यहाँ हो रही है डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और इसके दरमियान एंगल कितना है 90. तो वर्क डन क्या आएगी जीरो. तो वर्क डन आएगी जीरो प्लस जीरो प्लस बेटा यहाँ कितना आएगी सी टू डी एम जी कितना आएगी वर्क डन एम जी एच टू क्योंकि ये फोर्स है प्लस आएगी बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी यहाँ से इतना जीरो क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और बेटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ है तो थीटा कितना है 90. तो वर्क डन क्या आएगी डी टू ई आएगी जीरो बेटा ठीक है ना यहाँ से यहाँ तक वर्क डन क्या आएगी बेटा एम जी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक एच थ्री. तो बेटा प्लस लिखेंगे यहाँ से ई एफ जी क्या आएगी बेटा वर्क डन फ्रॉम ये जीरो आएगी क्योंकि यहाँ तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो वर्क डन यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी प्लस एम जी एच फोर ठीक है ना ओके वेरी नाइस. और यहाँ से यहाँ तक कितना आएगी ऊपर अगेन बेटा जीरो लिखेंगे ये वर्क जीरो. तो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस बेटा इजी क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन है ये. देखो बेटा आप क्या करेंगे देखो बेटा इसके लिए वर्क डन कितनी होगी अगेनेस्ट अगेनेस्ट यहाँ लेना है यहाँ ऊपर लेना है अगेनेस्ट करना है क्या वर्क डन ग्रेविटेशन वो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है एम जी तो डिस्टेंस कितनी है एच एच वन तो एम जी भी तो हमारा फोर्स इक्वल होना चाहिए एम जी के बराबर ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है एच वन तो कितनी वर्क है एम जी एच वन यहाँ जीरो क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और
और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान एंगल 90 है तो जीरो। तो बेटा यहाँ कितना वर्क आएगी, सिमिलरली एम जी एच टू यहाँ जीरो, यहाँ एम जी एच थ्री प्लस यहाँ जीरो, फिर यहाँ बेटा एम जी एच फोर प्लस यहाँ बेटा जीरो आएगी। ओके देखो बात करो, तो वर्क डन फ्रॉम बेटा ए टू बी किसके बराबर आएगी, यहाँ आएगी बेटा क्या एम जी एच वन प्लस आएगी एम जी एच टू प्लस बेटा एम जी एच थ्री प्लस बेटा आएगी एम जी एच फोर। तो बेटा यहाँ लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बेटा किसके बराबर लिखेंगे, एम जी कॉमन निकालेंगे, एम जी बेटा यहाँ लिखेंगे एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस बेटा एच फोर। लेकिन ये किसके बराबर है, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच फोर इज इक्वल टू एच, क्योंकि बेटा यहाँ और यहाँ पॉइंट सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है यहाँ बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा एच, तो ये बेटा कितना है, ये एच है, बिकॉज एच इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच फोर। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस किसके बराबर है, एच के बराबर। तो बेटा यहाँ लिखूंगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एम जी एच, दस वर्क डन इज सेम इन सेकंड केस। तो वर्क डन इज सेम अलॉन्ग ए टू बी एंड सेम अलॉन्ग फ्रॉम दिस फॉरवर्ड पाथ। ओके वेरी नाइस। तो बेटा दस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो वर्क डन अलॉन्ग बोथ द पाथ इज सेम। देखो बेटा सो वर्क डन अलॉन्ग बोथ पाथ इज अलॉन्ग बोथ द केसेस इज सेम सेम एंड इज इक्वल टू कितना है बेटा, एंड इज इक्वल टू बेटा कितना है, इक्वल टू एम जी एच। दस दस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, दस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। दस दस बेटा क्या लिखे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। ओके वेरी नाइस बेटा, बात आई समझ में। हाँ सर बात आई समझ में। अब बेटा क्या है, इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, वो थोड़ा स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कशन होगी लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे अर्थ में फंडी होगी। देखो बेटा अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, देखो बेटा सीधे है। ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहां हो जाएगी डिस्कशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट यहां पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यह है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वेन वर्क डन बाय अ फोर्स आर अगेंस्ट अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ, मैन इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, वेन वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ। Then work done by such a force, then work done by such a force, then work done by such a force is non-conservative force, is a non-conservative force. क्या है इस वक्त ये force, non-conservative. देखो बेटा इसके लिए examples क्या है, frictional force, for example frictional force और viscous force क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड बेटा विस्कस फोर्स जो है दे आर नॉन कंजर्वेटिव, विस्कस फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या है बेटा ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है, कौन कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। देखो बेटा क्या है, थोड़ा बताएंगे और इसके बाद थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे क्वेश्चन है ना, आगे भी देखो बेटा कैसी है। देखो बेटे क्या, अगर यहाँ बेटा देखे देखो बेटे क्या है सीडियर, अगर मैंने यहाँ ऐसे ले लिया, यहाँ वर्क डन की फ्रॉम ए टू बी फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन कोई बॉडी ले ली, कहां से कहां तक ले ली, पहले बेटे इस रास्ते से ले ली, फिर बेटे मैंने इस रास्ते से ले ली। देखो बेटे क्या है, देखो जो फ्रिक्शन है ना यहाँ इस पाथ के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा क्योंकि लेंथ कम है, फ्रिक्शनल फोर्स बेटा क्या होगा कम क्योंकि ये लेंथ कम है, लेंथ एल वन ये एल टू है, L1 is less than L2। देखो बेटा यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन होगी क्यों, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना, फ्रिक्शन तो सेम है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन लेंथ ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा वर्क डन करनी पड़ेगी। तो ये वर्क डन यहाँ से A to B along L1, मान लीजिए कि वर्क फर्स्ट पाथ के लिए वर्क डन पर सेकंड वर्क डन पर सेकंड पाथ इज ग्रेटर देन वर्क डन पर फर्स्ट पाथ, क्यों बेटा यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन अपोजिट में आएगी जब आप लोगे बेटा
बॉडी को फ्रॉम ए टू बी, यहाँ ज्यादा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, यहाँ काम क्योंकि लेंगत काम है, यहाँ लेंगत ज्यादा है तो ज्यादा बेटा कंज्यूम हो जाएगी एनर्जी, तो बेटा वो वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ एनर्जी कमजोर कम हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, कम ही लेंगत है, यहाँ ज्यादा लेंगत है तो वर्क ज्यादा डन करनी पड़ेगी, सो एज टू टेक द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा दस फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओके वेरी नाइस। तो बेटा देखो क्या है, आप यहाँ दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा कुछ बातें जो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या है बातें, खास बातें देखो बेटे के। बेटे यहां लिखेंगे आपको पता ही कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये तो मैंने पहले लिखा। पहला पॉइंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Work done क्या है, by conservative force। Work done by conservative force is independent of the path। Work done by conservative force is, it depends upon the, बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, depends, work done by it or against it depends upon initial and, sorry, initial and final position। और बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, work done in a closed, work done इन ए क्लोज ट्रूप इज जीरो, इज जीरो बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वेन दिस वर्क इज डन बाय, वेन दिस वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके वेरी नाइस बेटा, बात आई समझ में। हाँ देखो बेटा क्या है, ये समझाएंगे तीसरा पॉइंट, देखो बेटा क्या है, अगर बेटा मान लीजिए कि मैंने यहां यहां दिखाएंगे ये लिख लिया, लिख लो पहले, लिख लो बेटा ये तीसरा पॉइंट दिखाएंगे थोड़ा, ये पॉइंट दिखाएंगे बेटा, ये वर्क डन इन ए क्लोज्ड ट्रूप इज जीरो व्हेन दिस वर्क इज डन बाय, व्हेन दिस वर्क इज डन बाय, इज डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखो बेटे क्या है, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ए लूंगा और बेटे यहाँ बी पॉइंट, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा ना बॉडी, मान लीजिए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलोंग एल वन, अलोंग एल वन, यहाँ एल वन पॉइंट है, तो बेटा मान लीजिए पॉजिटिव है, कितने जूल्स है, फाइव जूल्स है, ठीक है ना। तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक भी लेंगे तो ये भी कितने जूल्स है, प्लस फाइव जूल्स। लेकिन बेटा अगर वापस लेंगे तो, अगर ये पॉजिटिव है तो वापस तो नेगेटिव होगी, कन्वेंशन के हिसाब से वापस क्या होगी, इफ इट इज पॉजिटिव तो वापस क्या होगी बेटा, वापस अगर लाएंगे तो बेटा ये माइनस फाइव जूल्स होगी, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी लेट इट इज प्लस फाइव जूल्स, बट वर्क डन फ्रॉम बी टू ए सिर्फ दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ एफ इज कंजर्वेटिव, एफ क्या है बेटा यहाँ कंजर्वेटिव। जब बेटा एफ कंजर्वेटिव है तो बेटा क्या है, द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग एल वन इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बट अलॉन्ग एल टू इज माइनस फाइव जूल्स, क्योंकि वर्क डन इज सेम। लेकिन अगर यहाँ इस रास्ते में बेटा ए टू बी पॉजिटिव लेंगे तो बी टू ए क्या ले रहे हैं माइनस, तो यहाँ प्लस तो ये कितना माइनस फाइव जूल्स, बता टोटल वर्क डन क्या आएगी, देयरफॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक बेटा, done from A to B and then from B to A, बेटा कितनी आएगी, work done from A to B then from B to A, बेटा किसके बाद आएगी, work done from A to B plus work done from B to A, लेकिन बेटा ये कितने जूल्स है, फाइव जूल्स, जूल तो बेटा ये कितने हैं, माइनस फाइव जूल, तो बेटा ये देखो कितने हैं, फाइव जूल प्लस माइनस माइनस फाइव जूल, बेटा ये और ये कैंसिल, तो बेटा कितनी वर्क डन आई, जीरो। तो व्हाट इज द वर्क डन इन ए क्लोज्ड लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, देयरफॉर वर्क डन इन ए क्लोज्ड ट्रिप क्या आएगी, जीरो। वर्क डन इन ए क्लोज्ड ट्रिप इज जीरो, लेकिन कब, व्हेन दिस वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ओके वेरी नाइस, ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना बेटा।
यहाँ से यहाँ तक अगर 5 जूल से है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक माइनस 5 जूल तो टोटल वर्क डन क्या आएगी, प्लस 5 माइनस 5 तो टोटल वर्क डन क्या आएगी, जीरो। जब बॉडी को यहाँ एम्स को ए टू बी फिर बी टू ए ले जाएंगे तो टोटल वर्क क्या आएगी, जीरो। यहाँ से जितनी यहाँ वर्क इतनी यहाँ वर्क, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लेकिन यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, आई बात समझ में? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब नया क्वेश्चन बेटा यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ में, देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी पोजेसिड बाय बॉडी इज ड्यू टू इट्स पोजिशन और ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना, लिखो बट एट रेस्ट। पोटेंशियल एनर्जी पोजेसिड बाय बॉडी, इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or by virtue of its configuration. But लेकिन बेटे किसमें होती है, एड्रेस्ट में होती है ये एनर्जी। देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। क्वेश्चन मिला है कि एनी पोजीशन एट ए पर्टिकुलर पोजीशन दिया इन ए फील्ड एट डिफरेंट पोजीशन, इट इज डिफरेंट बट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगी रेस्ट में, बॉडी की क्या होगी किसी फील्ड में, दैट इज दियर पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा ड्यू टू कैलिफिकेशन क्या है, स्प्रिंग में होती है, ग्रेविटेशन में होती है, फील्ड में होती है, पोजिशन ड्यू टू पोजिशन। लेकिन स्प्रिंग में जो होगी स्प्रिंग में होगी ड्यू टू कॉन्फिग्रेशन, ठीक है ना। स्ट्रिच कभी स्प्रिंग करेंगे दैट इज चेंज करेंगे कॉन्फिग्रेशन, कभी स्ट्रिच करेंगे कभी कंप्रेस करेंगे तो चेंज होगी ना कॉन्फिग्रेशन। इससे भी पोटेंशियल एनर्जी बेटा जो होती है ना रेस्ट में, एंड दैट पर्सन जो रेस्ट में डेवलप होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये स्प्रिंगनेस में होती है ड्यू टू कॉन्फिग्रेशन। और बेटा ये क्या होती है, ये किसी फील्ड में होती है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है, पोजिशन जो है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड में हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली एनर्जी, ये वाली बेटा जो है ना पोटेंशियल एनर्जी होगी कॉन्फिगरेशन होगी स्प्रिंग्स में, ठीक है ना। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखो बेटा एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ मैं ये मैंने पेन ले लिया तो पोजिशन समझाएंगे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ले लिया। देखो बेटा यहाँ एक इसकी जो पोजिशन है मैंने रेस्ट में इसको बांध दिया है, इसकी एनर्जी है ये बेकर आ रही है, जाता है किसके जाना चाहता है टुवर्ड्स अर्थ, बेकर आ रही है इसमें, जो बेकर आ रही है लेकिन रेस्ट में जो बेकर आ रही है अनस्टेबिलिटी है, इसमें एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये चाहता है अट्रैक्शन है इसको, ये चाहता है कि नीचे आना चाहिए, नीचे जाना चाहता है, लेकिन मैंने इसको नीचे नहीं जाने दे दिया, तो इसमें एक स्टोर एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये किसी पोजीशन में है, इस फील्ड में है, अगर यहाँ लेंगे तो पोजीशन कम होगी तो इस पोजीशन में कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा होगी, ठीक है ना। एट डिफरेंट पोजीशन इज विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। एंड इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फील्ड, ये फील्ड में होती है ड्यू टू पोजीशन। अब कॉन्फिगरेशन में क्या होती है, देखो बेटा अगर यहाँ करेंगे ना, यहाँ किसी सुप्रीम को ऐसे करेंगे तो यहाँ थोड़ा जो है ना यहाँ डेवलप होता है वो बेकरारी होती है हाथों में, तो ड्यू टू यहाँ इलांगेशन से जो है ना इलांगेटेड स्टेट में जो एनर्जी यहाँ हो गई, जो वर्क हमने डन की, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड हियर एज पोटेंशियल एनर्जी बट ड्यू एट रेस्ट सुप्रीम में, एंड दैट इज ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, हमने कॉन्फिगरेशन चेंज की, हम इसको थोड़ा स्ट्रेच किया और इसकी कॉन्फिगरेशन इसकी शक्ल चेंज हो गई, थोड़ा इलांगेट होगी, ठीक है ना, ये सुप्रीम में हो रही है, ठीक है ना। अब करेंगे यहाँ डिस्कस बेटा, देखो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे फिर करेंगे सुप्रीम पोटेंशियल एनर्जी, ने सुप्रीम लिखो बेटा। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्या है बेटे, एक क्या है यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा एनर्जी बेटा, दूसरी एनर्जी यहाँ है एंड दैट इज बेटा यहाँ है मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा बेटा यहाँ है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा बेटा यहाँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ने स्प्रिंग, देखो बेटा यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ट्वेल्थ में डिस्कस करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ये यहाँ करेंगे डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ने स्प्रिंग, ये सिलेबस में है। ये वर्क और एनर्जी में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ने स्प्रिंग, पहले यहाँ पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा
तो बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो बेटे क्या, इट इज द एनर्जी पोजिशन बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट इज पोजिशन डेयर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। लिखो बेटा, इट इज द एनर्जी पोजिशन बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट इज पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके लिए बेटा एक्सप्रेशन निकालेंगे, देखो बेटा किसके बराबर होती है, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। मैंने कहा ना अभी कि अगर मैं यहां लूंगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहां बेटा ज्यादा है, जितनी वर्क डन करेंगे ना वो वर्क डन हो जाएगी एज पोटेंशियल एनर्जी एट रेस्ट, ठीक है ना। जो रेस्ट में होती है, रेस्ट में होती है एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, एट डिफरेंट पोजीशन इट इज डिफरेंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। देखो बेटा यहाँ अर्थ की मिसाल लेंगे बेटा, यहाँ अगेन मैंने ये रेफरेंस ले लिया बेटा, मैंने मान लिया कि रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जीरो नहीं होती है, लेकिन रेफरेंस लेवल मैंने ले ली, रेफरेंस लेवल ले ली मैंने, मान लिया कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन ग्रेविटेशन में इसमें एक्चुअली इसमें होती है माइनस जी एम एम बाय आर, वो ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ सिंपलिसिटी के लिए देखो बेटा। तो बेटा मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक बॉडी है, और बेटा मैंने ये बॉडी मास जो एम है ये मैंने ले ली बेटा फ्रॉम ए टू बी, क्या ले ली, ए टू बी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू ए डिस्टेंस एच, क्या ले ली, थ्रू ए डिस्टेंस एच बेटा, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ था ये मास मैंने ले लिया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, ए टू बी थ्रू ए डिस्टेंस एच अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बेटा, देखो बेटा लेट एम क्या है, लेट एम इज मास ऑफ द बॉडी, taken from let us take m through h upwards against the gravitational force कि वर्क डन करेंगे ना, जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज अगेंस्ट, ये बेटा एक्सटर्नल फोर्स है एंड दैट फोर्स इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इक्वल, और तब जाएगी ये अपवर्ड्स बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट अस टेक एम थ्रो एच अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, अगेंस्ट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा वर्क क्या आएगी, वर्क डन वो होगी एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इसी से वर्क करेंगे डाउन, ऊपर ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी डायरेक्शन में है ना, एच बी सी डायरेक्शन में है और फोर्स बी सी डायरेक्शन में, तो थीटा इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, जीरो। तो वर्क डाउन हम एक्सटर्नल फोर्स से करते हैं दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा ऊपर लेते हैं ना, तो ये मेरा फोर्स है एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, ओके। तो एफ एक्सटर्नल डॉट बेटा लेंगे एच 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 वेक्टर, ठीक है ना। तो वर्क किसके बराबर आएगी, तो कहां से कहां तक लेना है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी लेना है बेटा, ए टू बी लेना है, ओके। तो डब्ल्यू किसके बाद आएगी, एफ एक्सटर्नल डॉट एच, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड एफ एक्सटर्नल आईसी लिखो, फिर एच लिखो, और इनके दरमियान कॉस थीटा, और थीटा बेटा यहाँ जीरो है क्योंकि एफ एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में है और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन, तो थीटा क्या है, जीरो, क्योंकि वर्क हम मानते हैं एफ एक्सटर्नल से, ग्रेविटेशन से नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये सीधे जाएगी ऊपर लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक्सटेंशन जीरो होगी। तो थीटा बेटा मैंने क्या लिया, जीरो, बताओ वर्क क्या आएगी, वर्क डन होगी एफ एक्सटर्नल बेटा, ठीक है ना, एच और बेटा यहाँ लिखे कॉस जीरो, और बेटा आपको पता है कि कॉस जीरो मान के बात है, तो पता है ये क्या आएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बेटा बिकॉज एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू एम जी, एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी। तो देखो बेटा यहाँ लिखेंगे एम जी, और बेटा यहाँ लिखेंगे एच और कॉस जीरो है किसके बराबर, मान के बराबर, तो वर्क डन किसी बार आई एम जी एच एंड दैट वर्क डन इज
that work done on the body and taking this body from A to B in the gravitational field of Earth is stored here at this point as gravitational potential energy. This work done in taking M from A to B through H against gravitational force, against gravity is stored as GPE is gravitational potential energy at point B. तो B पर कितनी ग्रेविटेशनल पॉइंट पर जो वर्क डन होगी बराबर पोटेंशियल एनर्जी वो U से लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B कितनी आएगी mgh ठीक है ना तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट B क्या आएगी mgh एंड दैट इज इन द दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m इन द फील्ड ऑफ अर्थ कितनी आई बेटा mgh लेकिन जब हम इस सरफेस ऑफ द अर्थ को मानते हैं रेफरेंस लेवल जब हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं तब भी ठीक है अदरवाइज नहीं ये हम मानते हैं एज्यूम करते हैं बेटा ठीक है ना अदरवाइज मैंने कहा कि वहां एनर्जी होती है माइनस यहाँ होती है पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई कैपिटल आर वो रेड सफर वो बेटा डिस्कस करेंगे कहाँ ग्रेविटेशन में लेकिन यहाँ यही है यही चलेगा यहाँ तो बेटा ऐसे ही चलना है ठीक है ना तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपी के लिए तो जीपी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी है एमजीएच याद रखा तो जितना हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि एच जितना ज्यादा हो जाए तो ज्यादा हो जाएगी वर्क ज्यादा टर्न करना पड़ेगा जहां तो यहाँ स्टोर हो जाएगी रेस्ट में क्या है क्यों बेकरारी जहां बेकरारी है वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है जहां बेकरारी होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है ओके वेरी नाइस देखो बेटा क्या है आई बात समझ में तो एक्सप्रेशन यही है अब क्या है बेटा नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने सुप्रीम क्या है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने सुप्रीम देखो बेटा क्या है इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने सुप्रीम पोटेंशियल यहाँ इलास्टिक लिखो यहाँ नक्सल में लिखो पोटेंशियल एनर्जी ने सुप्रीम दूसरा केस ये है इसके लिए भी एक्सप्रेशन निकालने हैं देखो बेटा मैंने कहा कि अगर सुप्रीम को इलांगेट करेंगे तब भी ड्यू टू इलांगेशन इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी एट एक्सट्रीम पोजिशन अगर इसको कंप्रेस करेंगे तब भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी क्योंकि बेकरारी जहां जितनी ज्यादा वहां इतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रहा है अट्रैक्शन अट्रैक्शन या नफरत जहां अट्रैक्शन हो रिपल्शन हो वहां पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन अराइज होता है याद रखना तो बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ने सुप्रीम क्या है देखो बेटा क्या इट इज द एनर्जी पोजेस्ड देखो बेटा ऐसे अगर सुप्रीम ऐसे है ना देखो बेटा ठीक है ना यहाँ बेटा मास है तो बेटा मैंने इसको यहाँ बेटा स्मूथ टेबल पर रखा है मैंने इसको स्मूथ टेबल पर यहाँ रखा है ना बेटा ओके रखा है यहाँ अगर बेटा इसको यहाँ स्टिच करेंगे तो बेटा इसको ये ऐसे बनेगा ना इस टेबल पर ऐसे बनेगा देखो ये स्टिच हो जाएगा ऐसे स्टिच हो जाएगा ऐसे बेटा यहाँ मैस यहाँ आएगा तो बेटा इसकी जो है ना स्टिच इलांगेट हो गया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नहीं यहाँ कोई नहीं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ड्यूटी इलांगेशन अगर बेटा आप इसको कंप्रेस करोगे ऐसे ऐसे कंप्रेस करोगे ना यहाँ ले जाओगे यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे इसको कंप्रेस करोगे यहाँ भी बेटा यहाँ इस पोजिशन पर क्या स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या लिखेंगे इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय सुप्रीम इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय सुप्रीम ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ compression due to the state of elongation that is change of configuration due to ठीक है ना due to state of elongation or due to state of configuration due to state of compression sorry बेटा और दोनों आज एक किसमें configuration में ठीक है ना क्या लिखा बेटा
इट इज द एनर्जी पोजेस्टेड बाय सुप्रीम ड्यूटी टू इलांगेशन. अगर इलांगेशन करेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यहाँ कोई नहीं. जब इलांगेट करेंगे तब भी यहाँ होगी ना, यहाँ बेटा यहाँ कुछ वापस आएगा ना, कुछ फोर्स वापस, जहाँ बेकरारी होती है बढ़ती है इस हाथ में. जो ये बेकरारी बढ़ती है इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बट एट रेस्ट. तो इट इज द एनर्जी पोजेस्टेड बाय सुप्रीम ड्यूटी टू स्टेट ऑफ इलांगेशन. या इलांगेशन यहाँ हमने इसको स्विच किया है, इलांगेट किया है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा. एंड ड्यू टू स्टेट ऑफ कंप्रेशन, यहाँ बेटा हमने कंप्रेस किया और इस स्टेट में भी, यहाँ जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन स्टेट में भी इसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बेकरारी बढ़ती है ना हाथ पे, हाथ पर कुछ फोर्स लग रहा है लेकिन हम इसको फोर्स को इसको यहाँ नहीं आने देते हैं, तो इसमें एक स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना, ओके वेरी नाइस. ये देखो अब एक्सप्रेशन निकालेंगे. देखो मेरे तो स्प्रिंग लेना है मास लेस, यहाँ आप बेटा एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन ए सुप्रिंग. और बेटा याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ऑनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड सुप्रीम फोर्स में जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेटर फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है. तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किस फोर्स के लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं है. काइनेटिक एनर्जी डिफाइन है बोथ फोर्सेस के लिए, काइनेटिक एनर्जी डिफाइन है बोथ फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिफाइन है किसके लिए, कंजर्वेटिव, क्योंकि सुप्रीम में भी कंजर्वेटिव फोर्स और बेटा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स, सुप्रीम फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स. ओके वेरी नाइस. एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ने स्प्रिंग देखो बेटा क्या है, सिंपल तरीके से लिखाऊंगा. यहां बेटा मैं एक स्प्रिंग लूंगा तो यहां डेरिवेशन है ना, यहां एक्सप्रेशन लिखेंगे. ओके तो मैंने यहां बेटा एक स्प्रिंग ले लिया, ऐसे बेटा स्प्रिंग ले लिया, ठीक है ना. ओके वेरी नाइस. यहां मैंने बेटा यहां एक एंड इसको अटैच किया मैं एज एम, और दूसरा एंड बेटा मैंने यहां इस दीवार के साथ फिक्स किया, फिक्स्ड है यहां, यहां फिक्स्ड है. और मैंने इसको बेटा एक टेबल पर रखा है ऐसे यहां, और बेटा ये टेबल जो है ये है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए तभी यहाँ बेटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ऑनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. अगर इसका फ्रिक्शन है तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी को. ओके नाइस. तो ये स्मूथ है, ये टेबल क्या है जिस टेबल पर हमने रखा है, ये टेबल क्या है बेटा स्मूथ. ओके वेरी नाइस. हमने बेटा अब इसको कंप्रेस किया, यहाँ यही पर दिखाएंगे, यहाँ बेटा कंप्रेस किया, यही टेबल है, यही ऊपर वाला टेबल. देखो बेटा आप क्या है, अब मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको बेटा थोड़ा इलांगेट किया है. हाँ जी बेटा मैंने यहाँ इसको यहाँ तक भेजा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ. तो यहाँ मान लीजिए कि x इज इक्वल टू जीरो, और मान लीजिए कि बेटा यहाँ x क्या है, यहाँ से यहाँ तक x आपने स्ट्रेच किया है, ठीक है ना, कितना. लेकिन आपको क्या करना है, अपने यहाँ आपने फोर्स किया है एक्सटर्नल, इसी वजह से ये इलांगेट हो गया, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम पोजिशन थी. जब आपने बेटा इसको इलांगेट किया देखो, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बेटा इंक्रीज हो गई ड्यू टू इट्स इलांगेशन स्टेट, ठीक है ना. यहाँ यहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस स्टेट में यहाँ ड्यू टू दिस एफ एक्सटर्नल, तो बेटा यहाँ देखेंगे कितनी वर्क डन हुई यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस पॉइंट इज टोल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ने सुप्रीम. पहले निकालेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग से यहाँ देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑलवेज नेगेटिव, बट वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव इज पॉजिटिव. यहाँ यहाँ हियर हियर इन दिस मैग्नेट, देखो बेटा क्या करेंगे. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या, तो यहाँ जो फोर्स है बेटा यहाँ देखेंगे, देखो बेटा क्या है हियर, जब हम यहाँ एफ एक्सटर्नल व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द मास एम, द स्प्रिंग गेट्स इलांगेटेड. स्प्रिंग क्या होता है,
द स्प्रिंग गेट्स इलांगेटेड, बेटा क्या होता है ये, थोड़ा इलांगेट होता है, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है। दस दी एग्जैक्ट रेस्टोरिंग फोर्स, यहाँ एक बैकवर्ड फोर्स आता है, यहाँ बेटा एक कौन सा फोर्स आता है, यहाँ इस डायरेक्शन में एक कौन सा फोर्स आता है, रेस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, एंड दैट फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है ना, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक रेस्टोरिंग फोर्स आता है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल, दैट टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो ठीक है ना, when we apply an external force on the mass m then spring gets elongated, a restoring force comes into play, a restoring spring force comes into play, which tries to bring the mass back to its original position. Which tries to bring the mass back to its original position. तो F external की direction यहाँ, यहाँ displacement बेटा ये x displacement है, ये और F in the same direction. लेकिन restoring force is opposite to the direction of displacement. Okay. तो हॉक्सला क्या कह रहा है बेटा, यहाँ देखो बेटा क्या है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर है लेकिन अप्लाइड फोर्स इधर, इट इज अकॉर्डिंग टू हॉक्सला एक लॉ है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इज फाउंड क्या, दैट एफ रेस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों बेटा, जितना आप ये बढ़ाएंगे स्ट्रेच करेंगे इतना यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा आएगा, काम ही स्ट्रेच करोगे ये ज्यादा आएगा, लेकिन अगर x पॉजिटिव में है तो रेस्टोरिंग फोर्स इज इन नेगेटिव, सो x एंड f रेस्टोरिंग आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ, लेकिन जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करोगे इतना ही रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ बेटा स्ट्रेच करोगे, जितना स्ट्रेच करोगे एक्स जितना स्ट्रेच करोगे ना, कंप्रेस करोगे इतना रेस्टोरिंग फोर्स, सो बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड रेस्टोरिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जितना ये ज्यादा करोगे स्ट्रेच इतना रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना, आप इसको चेंज करो किसमें, दिस इज डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट जितना ये ज्यादा इतना ये रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन। नाउ एफ रेस्टोरिंग किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में, तो के लिखेंगे एक्स, इस के को कहते हैं, एक्स को के को कहते हैं सुप्रीम कॉन्स्टेंट, क्या कहते हैं सुप्रीम कॉन्स्टेंट, वेयर के इज ए सुप्रीम कॉन्स्टेंट। और बेटा के किसके बराबर होगा, एंड के इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, इसके यूनिट क्या है, इट इज रेस्टोरिंग फोर्स, एफ रेस्टोरिंग पर मीटर पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है, तो के किसके बराबर आएगी, के रेस्टोरिंग फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, न्यूटन पर मीटर। लेकिन मुझे इसके साथ लेना देना कुछ भी नहीं है बेटा, ये लिखो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके क्या लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा क्या है, ना वर्क डन बाय, हमें वर्क डन करने एक्सटर्नल फोर्स से, बट दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स बेटा किसके बराबर है, माइनस के एक्स। देखो बेटा, हियर वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क इज डन बाय एफ एक्सटर्नल फोर्स, एंड मस्ट बी इक्वल टू and must be equal and opposite to restoring force, तब ये जाएगी, ये चलेगी v with constant and ये क्या आएगी zero, जब f external होगा f restoring के बराबर ये चलेगी, ये बेटा स्ट्रेच हो जाएगी but with v remains constant ये क्या आएगी zero, अगर f external ज्यादा होगा restoring से तो accelerate हो जाएगी, वो नहीं करना। ठीक है ना, F external should be equal and opposite to F restoring. According to Newton's first law, it will stretch with constant velocity. तो क्या है? यहाँ वर्क किसी डन होनी चाहिए? F external से इसी से वर्क डन हो रही है. And F external must be equal and opposite to F restoring. तो F restoring क्या है? तो F external किसके बराबर आना चाहिए? Must be equal and
अपोजिट टू एफ रेस्टोरिंग, ठीक है ना। लेकिन एफ रेस्टोरिंग किसके बारे में माइनस की एक्सपेक्ट, तो एफ एक्सपेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ, इज इक्वल टू ए माइनस, तो ये एफ रेस्टोरिंग किसके बारे में माइनस की एक्स, तो बेटा माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्सटर्नल आएगा बराबर माइनस माइनस बेटा प्लस के एक्स, कितना है एफ एक्सटर्नल, अरे एफ एक्सटर्नल कितना आया के एक्स, इसकी लिखो बेटा दूसरी इक्वेशन, वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स तो माइनस के एक्स बराबर है, लेकिन एफ एक्सटर्नल तो प्लस के एक्स के, क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये यहाँ किस में पॉजिटिव, दिस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू रेस्टोरिंग फोर्स, तभी यह जाएगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड विद जीरो एक्सेलरेशन। देखो ओके लिखा आपने, ओके वेरी नाइस, तो आप करेंगे अब वर्क डन, स्मॉल वर्क डन के ये फोर्स वेरिएबल है, अरे ये फोर्स वेरिएबल है क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्स पर, जितना एक्स ज्यादा होगा एफ एक्सटर्नल ज्यादा होगा, ज्यादा अप्लाई करना है टू सिचुएशन, जितना आपको लेंथ बढ़ानी है ना इतना आपको एफ एक्सटर्नल ज्यादा लेना है, तो एफ एक्सटर्नल किस पर डिपेंड करता है एक्स पर, तो ये वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल है तो स्मॉल वर्क डन करनी है यहाँ से यहाँ तक, फिर होल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन लगाना है, मैंने कहा ना जब फोर्स वेरिएबल तो डिफरेंशिएशन यूज करो, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू थ्रो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, थ्रो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, अगर यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक किसी जगह कोई स्मॉल डी एक्स लेंगे और इस डी एक्स में देखे स्मॉल वर्क डन, वो क्या आएगी स्मॉल डब्ल्यू, किसी यहाँ इसी पाथ में यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमको वर्क डन करनी है जीरो टू एक्स, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करना है, लेकिन अगर हम इसी पाथ पर एक छोटा मोल इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएशन के बाद एक छोटा एलिमेंट लेंगे, और क्यों, क्योंकि फोर्स एयर इज वेरिएबल, तो स्मॉल वर्क क्या आएगी इस डी एक्स में, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू थ्रो स्मॉल डी एक्स कितनी आएगी बेटा, डी डब्ल्यू होगी एफ एक्सटर्नल डी डॉट डी एक्स, तो लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, एफ एक्सटर्नल डी एक्स लिखेंगे सीधा, क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल एंड डी एक्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा इनके दरमियान जीरो है, तो कॉस जीरो वन है, तो सीधे लिखो एफ एक्सटर्नल डी एक्स, ठीक है ना, बिकॉज थीटा हियर इज जीरो, एफ एक्सटर्नल भी सी डायरेक्शन में है, डीएक्स भी सी डायरेक्शन में है, थीटा जीरो है, तो कॉस जीरो इज वन, तो सीधे लिखेंगे एक्सटर्नल डी एक्स, ठीक है ना, दिस इज स्मॉल वर्क डन फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट यहां से, तो बेटा पहले तो टोटल वर्क डन क्या आएगी, टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू x यहां से यहां तक x है, फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू x, क्या आएगी बेटा यहां भी इंटीग्रेशन dw, बेटा यहां भी इंटीग्रेशन कहां से, जीरो टू x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू x, लेकिन किसकी, f एक्सटर्नल dx, इसकी लिखो बेटा सेकंड थर्ड इक्वेशन, सबस्टिट्यूट सेकंड इन थर्ड, लेकिन किसके बदले f एक्सटर्नल के बदले x लिखो, सबस्टिट्यूट बेटा क्या लिखेंगे, सबस्टिट्यूट सेकंड इन बेटा फर्स्ट में डालो, सबस्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ बेटा x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू x, बेटा f एक्शन के बदले क्या लिखो आप, kx बेटा यहाँ लिखो dx, ओके वेरी नाइस, मैंने क्यों इंटीग्रेशन की, क्योंकि फोर्स यहाँ वेरिएबल है, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, लेकिन कंजर्वेटिव है बेटा, ओके तो बेटा क्या है, तो यहाँ डी डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर आएगी, तो के बाहर, तो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन किसकी, एक्स डी एक्स, लेकिन कहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फुल वर्क करनी है, एंड दैट वर्क फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम डन फ्रॉम दिस टू दिस इज इक्वल टू हियर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा वर्क डन किसके बराबर आएगी, के तो ऐसी लिखो यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर एक्स वन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो बेटा लिमिट्स क्या है यहाँ जीरो टू एक्स, ठीक है ना एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वन वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, तो जीरो टू एक्स, तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगी, के बाई टू बाहर निकालो, तो बेटा यहाँ शॉर्ट ब्रैकेट, तो पहले यहाँ ये एक्स दिया, तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या आएगा जीरो स्क्वायर, तो बेटा पता है डब्ल्यू किसके बराबर आएगी, तो बेटा डब्ल्यू किसके बराबर आएगी, डब्ल्यू आएगी बेटा बराबर यहाँ लिखेंगे के बाई टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरो स्क्वायर तो जीरो है, क्या है के बाई टू एक्स स्क्वायर, तो डब्ल्यू लिखेंगे वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज दिस वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल
is stored as elastic potential energy of a spring. At position x from equilibrium, at position x, यहाँ लिखो at position A भी लिख सकते हैं, at position A, which is at a distance x from equilibrium position. बेटे किसके लिए? Elongation state के लिए. आप बेटा क्या करोगे? आप compression के लिए भी निकाल सकते हैं. इसको compress करो बेटा, ऐसे compress करो. तो compression में बेटा यहाँ आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक आप खुद निकाल सकते हैं. वहाँ restoring force बेटा opposite आएगा. और F external किसके बाहर होगा? Opposite and equal to restoring. Restoring तो यहाँ होगा, लेकिन F external तो बेटा यहाँ है, आपने किया ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ बेटा खुद कर लो कंप्रेशन स्टेट के लिए, लेकिन ये काफी है आपके लिए. कंप्रेशन स्टेट खुद कर लो घर घर में, ठीक है ना, खुद कर लो बेटा घर में. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाता है. चलो आई विल नेक्स्ट. ओके, थैंक यू ऑल.